जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में, और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, और यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेट नंबर 823 AB करा दिया है, उसके बाद में DD भी करा दिया है, और यहाँ पर और एक यहाँ पर EN करा दिया है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। मैं आप लोगों को 7 सेट पूर करवा दूंगा, और ये जो 7ों सेट अच्छी तरीके से जो आप लोग सॉल्व कर लोगे, तो आपके यहाँ पर 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और नाम यहाँ पर डालना होगा, बाकी हिंदी, और यहाँ पर कोड है 901, सेट नंबर है 823 HC है। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू करते हैं, समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। उसके बाद में निर्देश दिए, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू होता है, खंडा होगा, 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, और 20 ही यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। तो पहला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखे, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? नहीं। अब प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं कि रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती, रांगे रांगो कवि के रूप में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। अगला यहाँ पर तितली उपन्यास है किसका है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल की, जैनेन्द्र का? तो देखिए जो तितली उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया है यहाँ पर, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो देखिए ये हमारा जो झूठा सच है ये हमारा यहाँ पर उपन्यास है, ध्यान रखना, और किसका? यशपाल जी का है, ध्यान रखना, इस यशपाल जी का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया कि बर्फ़ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? धर्म रामधारी सिंह दिनकर की, जयप्रकाश भारती, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती की, पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बर्फ़ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश भारती जी हैं, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए पांचवा, देखिए ये दूसरा भी उसी प्रकार से प्रिंट हो गया है, ये डबल हो गए क्वेश्चन। झूठा सच किस विधा की रचना है, मैंने आप लोगों को बताया, उपन्यास किसकी है? तो यशपाल जी की, ये डबल प्रिंट हो गया है। अगला है रामचंद्रिका रचना है किसकी? तुलसीदास, केशवदास की, मैथिली शरणगुप्त की, जयशंकर प्रसाद? तो देखिए जो रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो ये केशवदास जी की है, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला है परमाल रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रप्रदाई की, मंझन की, दलपत विजय की, जगनिक? तो देखिए जगनिक जो है ये परमाल रासो के रचनाकार है, राइट आंसर हमारा, इसको आलाखंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आलाखंड भी बोलते हैं, ये भी आप लोग तैयार कर लेना परमाल रासो को। अगला यहाँ पर देखिए, और ये आदिकाल की रचना है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। अगला है छायावाद की विशेषता क्या है यहाँ पर? इतिवृत्तात्मक की, श्रृंगारिक भावना की, सौंदर्य एवं प्रेम की, उपदेशात्मक वृत्ति? तो देखिए जो छायावाद की विशेषता या प्रवृत्ति बात एक ही होती है, तो सौंदर्य एवं प्रेम होगा, राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला है साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरणगुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की, यहाँ पर प्रगतिवादी? यहाँ पर देखिए तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ये हमारा मैथिली शरण गुप्त जी हैं, साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला यहाँ पर देखिए पूछा गया, हे खग हे, यहाँ पर मधुकर सेनी, उसके बाद में तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? इसमें क्या है, दुख प्रकट हो रहा, शोक प्रकट हो रहा, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर भगवान राम उनसे यहाँ पर खग और मृग से पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पर आपने क्या सीता को देखा है, तो इसमें शोक प्रकट हो रहा है जब वहाँ सीता का हरण हो जाता है, तो इसमें करुण रस हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, दो ही रस पूछे जाते हैं, हास रस का स्थायी भाव हास होता है, ये आप लोग तैयार कर लो। अगला है हरिपद कोमल कमल से में अलंकार है, तो देखिए जो हरिपद कोमल कमल से, इसमें देखिए भगवान के जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जो पैर हैं क्या है, कोमल बताया गया, कमल की तरह कोमल बताया गया, दोनों में तुलना की गई, समानता बताई गई पैरों में, और यहाँ पर कमल की दोनों में कोमलता बताई गई, समानता बताई गई, जिसमें समानता बताई जाए या तुलना की जाए वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाता है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो सिमरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिरा सुगुण सदन में कौन सा छंद है? इसमें देखिए जब इसको पाई मात्रा गिनोगे तो इसको यहाँ पर 2 हो गई, उसके बाद में 3 4 5 6 और 7 8 9 10 और 11, तो देखिए पहले चरण में 11 है तो तीसरे चरण में भी 11 होंगी, तो पहले और तीसरे चरण में जो 11 11 मात्राएँ हों तो समझ जाना वहाँ पर हमारा सोरठा छंद हो जाएगा। अगला यहाँ पर अनुचर में उपसर्ग है, तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को हम उपसर्ग बोलेंगे, तो इसमें जो हमारा पहले क्या जुड़ा है, अनुजुड़ा है, तो हमारा कौन ऑप्शन में है, बी वाले में है, तुम्हारा राइट आंसर बी वाला ही हो जाएगा। अगला है भीमा अर्जुन में कौन सा समास है, तो देखिए जब इसका समास विग्रह करोगे तो भीम यहाँ पर हो जाएगा और
अर्जुन हो जाएगा। अब देखिए जिसमें यहाँ पर और का लोप हो या योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होता है, तो इसमें हमारा द्वंद्व समास ही हो जाएगा क्योंकि इसमें और का लोप हो। जो संख्यावाचक हो उसमें क्या होता है, वहाँ पर हमारा द्विगु समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया चौराहा, चौराहा में क्या होता है, इसमें देखिए संख्यावाचक है, चार राहों का समूह, चार शब्द आ गया, चार राहों का यहाँ पर समूह, तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें संख्यावाचक हो वो द्विगु समास, और जिसमें और का लोप हो योजक चिन्ह लगा हो, जैसे यहाँ पर पूछा जाता है माता और बीच में इस प्रकार से होगा और पिता होगा, तो ये हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में अगला देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आंसू का तत्सम रूप होगा तो हमारा अश्रु हो जाएगा। ये क्या है, ये हमारा आंसू का तत्सम रूप है, हमारा अश्रु हो जाएगा। अगला है दिनकर भानु भास्कर पर्यायवाची हैं, ये किसके हैं, तो देखिए दिनकर भानु भास्कर ये पर्यायवाची किसके हैं, तो ये हमारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला यहाँ पर शब्दों का जो व्यवस्थित एवं व्याकरण, यहाँ पर व्याकरणिक क्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, सार्थकता की, पदक्रम की, यहाँ पर सन्निध्यता की, जिज्ञासा। तो देखिए जो यहाँ पर शब्दों को व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम कहलाता है उसको हम पदक्रम बोलेंगे। देखिए जो आपके तीन नंबर के पूछे जाएंगे इसमें देखिए विकारी अभिकारी शब्द होंगे और वाच्य वाक्य होंगे, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा तभी 3 नंबर ये मिलेंगे। अगला है धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में जो वाच्य का कौन सा भेद है, तो इसमें देखिए जो हमारा भाव वाच्य है, क्या इसमें भाव प्रकट हो रहा है, इसमें क्या बता रहा है, धूप में चला नहीं जाता है, तो इस वाक्य में जो हमारा वाच्य होगा ये हमारा भाव वाच्य होगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा जो हमारे वाई हो गया, उसके बाद में यहाँ पर व्हाट हो गया, ये सभी हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है या प्रोनाउन है। तो उसी प्रकार से इसमें हिंदी में हमारे क्या और कौन दोनों क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला है युष्मद् का सप्तमी एक वचन रूप होगा, तो त्वयि हो जाएगा, राइट आंसर ए वाला। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब ध्यान से वीडियो को देखना, अभी जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इनको तैयार ही तैयार करके जाना कि कौन कौन से जीवन परिचय आएंगे, क्या क्या आएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए ये वर्णनात्मक प्रश्न है और ये खंडवा होगा, 50 अंक के पूछे जाएंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। 21वां प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित किन्हीं एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ पर 6 नंबर के होंगे, कावाला होगा। इसमें देखिए या हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे यहाँ पर छवि छलकी पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत परोसती जा रही है, तो इसमें देखिए कौन सा पाठ है, ये हमारा अजंता नामक पाठ है, कौन सा है, अजंता है। और आपको पता होगा इसके जो रचनाकार कौन है, तो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो, ठीक है। इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो किस पाठ से लिया गया है, तो ये अजंता नामक पाठ से लिया गया है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लो। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसी में देखिए यहाँ पर खावाला होगा, हमारा क्या होगा, खावाला। और ये अथवा करके आएगा, दो आएंगे इनमें से एक ही करना है, तो इसमें हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूम में चाहे उस रूम में रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, तो ऐसे लोगों का साथ करना तो हमारे लिए बुरा है। देखिए 7 शब्द आ गया, तो इसमें समझ जाना कि हमारा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आप लोग तैयार कर लो, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होगा, पाठ का नाम पता होगा, लेखक का संदर्भ भी लिखवाओगे, और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये 3 ही लाइन की व्याख्या करना है, बाकी 1 प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा इसी में से ढूंढकर। उसके बाद में 22वां पूछा जाएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल कीजिए, 6 नंबर का ये भी पूछा जाएगा, इसमें भी 2 आएंगे, यहाँ पर इनमें से एक ही आपको करना है, तो क्या लिखा, उद्धम हो ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन संघन कुंज की छाही, और प्रातः समय माता जसवत अरुनंदन, यहाँ पर अरुनंद देख सुख पावत, इसमें क्या है, तो देखिए हमारा ये जो है ये हमारा पैराग्राफ किस पाठ से लिया गया, सूरदास देखिए सब दिया है, तो समझ जाना ये हमारा पद नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके कवि कौन है, इसमें देखिए कवि होते हैं, तो सूरदास जी हैं, इसको आप लोग तैयार कर लो। संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, 1 प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। उसके बाद में आया यहाँ पर अथवा करके, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और यहाँ पर ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, तो इसमें देखिए हमारा जो है ये हमारा यहाँ पर भक्ति नीति से लिया गया है, और इसके देखिए कवि कौन है, तो यहाँ पर बिहारी लाल जी हैं, इसको आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। अगला है यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, इसमें भी का और खा दो आएंगे, इनमें से एक ही करना, क्या लिखा, नागरिका भवकालम यावत अचिंतयत
परम पहेलिकाया उत्तरदान तो समर्था न अभवत। तो इसमें देखिए हमारा नागरिका शब्द दिया है, इसमें ग्रामीणा शब्द दिया है, तो हमारा इस ये पाठ का नाम कौन सा है, इस पाठ का नाम हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा। इसको आप लोग भी तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा इस पाठ का नाम है, ठीक है। इसको अनुवाद सही तैयार कर लो, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला पूछा गया है, अभी जीवन परिचय भी बताऊँगा। वाराणसी वाला आया है, देखिए वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी एवं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थित अस्या घट्टा नाम वाले आकृत पंक्ति धवलायाम चंद्रकायाम बहुराजते। तो ये भी आप लोग तैयार कर लो, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में इनमें से एक ही करना है। अगला यहाँ पर देखिए ये श्लोक पूछा गया, इसमें भी आपको संदर्भ करना है और अनुवाद करना है, दो पूछेंगे, इनमें से एक ही करना। बंधन मरणम वाप जो वाप पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। तो इसमें देखिए हमारा वीरा केन पूजते से ये लिया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। और एक जो ये है मरणम मंगलम ये विभूति चिभूषणम कपिनम ये कसम सकाशी केन में, तो काशी शब्द दिया है तो समझ जाना ये हमारा वाराणसी नियम पाठ से लिया गया है, तो इसको आप लोग भी तैयार कर लो, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए एक आपको खंड का भी पूछा जाएगा, जो अपने अपने जिले वाइज होगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 26वां होगा, ये आपके जीवन परिचय पूछे जाएंगे, 5 नंबर के पूछे जाएंगे, 3 होंगे, इन तीनों में से एक पर आपको जीवन परिचय लिखना है, तो ये तीनों आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खा वाला उसी प्रकार से पूछा जाएगा, 5 नंबर का होगा, 3 यहाँ पर जीवन परिचय कब के हैं, इनमें से एक ही करना है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी पर वीडियो बना दी है, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक श्लोक आएगा, 2 नंबर का आएगा, जो आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो आपको लिखना होगा, ये तो कम से कम आपको 3 श्लोक तैयार कर लेने हैं। अगला यहाँ पर देखिए 28वां होगा, ये यहाँ पर 2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 ही करने हैं, 4 होंगे, इनमें से वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरण पूजते, गुड़ा केन वर्धते, विश्व स्त्रष्टा का चंद्रशेखरा का आसित, तो चंद्रशेखरा देशभक्ता चा आसित, तो इसको तैयार कर लिया, 2 ही आपको करना है ये। उसके बाद में यहाँ पर आएगा 29वां, निबंध निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखे, 7 नंबर का पूछा जाएगा, पहला ये 9 नंबर का पूछा जाता था, तो इनमें देखिए यहाँ पर 5 होंगे, इनमें से एक पर आपको निबंध लिखना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, स्वदेश प्रेम, मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम, इन 5ों में से एक पर आपको निबंध लिखना होगा। मैंने सभी पर इस पर भी बता दिया, इस पर और इस पर भी बता दिया, तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। 7 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आकस्मिक अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे, 4 नंबर का न्यू ऐड कर दिया गया है ये सिलेबस में, तो इसको भी आप लोग पत्र लेखन भी तैयार कर लो, मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लो, पूरा पेपर सॉल्व कर लो। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।